हेलो दोस्तों, हमारे ABS क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे नए चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं एके कार्तिक, मैं बात करूंगा शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार। हमारा ये अगला है। इसमें हमने पहले फर्स्ट वीडियो में बात किया था कि भौतिकी के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में किन किन को नोबल पुरस्कार दिया गया है। वीडियो बड़ा होने के चलते हमने सेकंड पार्ट बनाया। इसमें से हम बात करेंगे शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार। तो हम आइए देखते हैं कि किन को शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला। नोबल पुरस्कार हमने बात किया था कि 10 दिसंबर 1901 से स्टार्ट हुआ अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल के जयंती पर। अब इसमें हम देखेंगे कि नोबल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किन को मिला। तो ये हमारे अभी घोषणा हुआ है, उसमें से अबी अहमद अली, इसमें हम बात करेंगे। अभी दिया, देखो अभी आया है इसका न्यूज, तो मतलब कि अभी आया, इसलिए हम इसे याद कर सकते हैं अबी अहमद अली। ये इथियोपिया एक देश है, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब जैसे हम देखते हैं, बात करते हैं कि उसके जस्ट बगल में ही एक देश क्या है, इरीट्रिया एक देश है, जो आए दिन उसके साथ लड़ाई होता रहा लगभग पिछले 20 या 25 वर्षों से, जिसमें से इन्होंने अबी अहमद अली मतलब कि उनमें शांति स्थापित किए। जैसे कि अपन देखते हैं कि हमारा हो गया भारत, इसमें हमारा ये पाकिस्तान हो गया, तो इस मतलब भारत पाकिस्तान का लड़ाई होता रहता है। इसमें इन्होंने जैसे उसी प्रकार ये है इथियोपिया और इस ये देश है इरीट्रिया, इन दोनों के बीच शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया, तो इन्हें नोबल पुरस्कार मिला शांति क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में तो देखते हैं कि साहित्य हमेशा हमारे हाथ से लिखा जाता है, और पिछले वर्ष जो 2018 में साहित्य का पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसको किसी कारण से रोक दिया गया था। इसमें हम बात करेंगे, देखो इसका हम कोड लेके आए हैं, इसका ट्रिक ये है आपा। अब हम इससे देखते हैं कि देखो जैसे साहित्य पढ़ने के लिए हमें बहुत सा दिमाग चाहिए, बहुत बड़ा दिमाग चाहिए, और उसको हम पढ़ते हैं जब, तो हमें अपनी आपा नहीं खोनी चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये देखेंगे कि हम जैसे ये हमारा हो गया आसे, हम देखेंगे ये हमारा क्या है, ओल्गा तोकरजुक एक वैज्ञानिक, ओल्गा तोकरजुक है, ये एक पॉलिश लेखिका ये लेखिका है, इन्होंने साहित्य लिखा। अब ये पॉलिश क्या कहलाते हैं, जैसे अपन देखते हैं इंडिया में रहते हैं तो इंडियन कहलाते हैं, उसी प्रकार एक पोलैंड देश है, तो पोलैंड देश के जो निवासी हैं उनको पॉलिश कहा जाता है, पॉलिश। ये साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए पीटर हैंड के, इसमें हम ये देखते हैं कि ये 2018 में इनको दिया जाना था, जैसे 2018 में नहीं दिया गया था, उसके बाद ये घोषणा हुआ कि 2018 में ओल्गा तोकरजुक को दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, देखें पीटर हैंड के, इनको अभी 2019 का पुरस्कार दिया जाएगा पीटर हैंड के। अब हम इसमें बात करेंगे, ये हमारे ऑस्ट्रियाई लेखक हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक लिखे हैं। इसमें देखेंगे ये साहित्य के क्षेत्र में इन्हें मिलेगा। अब देखें, हम याद कर सकते हैं जैसे कि पी से तो पीटर याद कर सकते हैं, दूसरी बात ये हम याद कर सकते हैं जैसे हैंड के, अब हम लिखते किससे हैं, साहित्य हैंड से लिखते हैं, अपने हाथ से लिखते हैं, तो इसे हम याद कर सकते हैं कि पीटर हैंड के। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखते हैं कि क्यों दिया जाता है। तो हमने तो बात पहले किया कि साहित्य के क्षेत्र में मतलब कि साहित्यिक क्षेत्र, अब इसमें देखेंगे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्यों दिया जाता है। तो ये हमारा वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए दृष्टिकोण की खोज की, मतलब इसमें ये है कि गरीबी को कैसे हटाना है, ठीक है ना, उससे में इन्होंने ये तीन हमारे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बात किया और इन्हें मिला। तो इसमें देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है, अभिजीत बनर्जी हमारे भारतीय मूल ये इंडियन है पहले, लेकिन अब ये क्या अमेरिका में रहते हैं, तो ये हमारे क्या ये हो गए अमेरिकी अर्थशास्त्री कहलाएंगे, इनको मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड में ये हमारे हैं
हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट हैं एस्थर डफलो। एस्थर डफलो हैं ये फ्रांसीसी मूल हैं, ये फ्रांसीसी मूल, जैसे ये हमारे अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल है, ये तो फ्रांसीसी मूल है, ये रहते कहाँ अमेरिका में, तो ये हमें क्या कहला गए अमेरिकी अर्थशास्त्री, ये हो गए एस्थर डफलो। नेक्स्ट हम देखते हैं माइकल क्रेमर, हमारा थर्ड नंबर हो गया माइकल क्रेमर। माइकल क्रेमर कहाँ के हैं, यूएसए के हैं, यूएसए के। तो हम ये देखते हैं कि ये यूएसए, यूएसए ये भी क्या कहलाता है अमेरिका ही है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, देखो ये भी अमेरिका, ये भी अमेरिका, ये भी अमेरिका, मतलब कि ये पूरा तीनों तीनों, यानी मतलब कि जो अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया है वो पूरी अमेरिका को प्राप्त हुआ, वहाँ के तीन ये अर्थशास्त्री हो गए। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब कि मेडिकल के क्षेत्र, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या किनको किनको दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो ये पहले हम बात करेंगे, देखेंगे क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है। तो इन्होंने क्या खोज किया है, कोशिकाएं कैसे ऑक्सीजन का पता लगाती हैं और इसके प्रति अनुकूलित होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं इनको किनको किनको दिया गया है, तो मैं एक कोड लेके आया हूँ जिससे आप देख सकते हो। जैसे हम देखते हैं ये चिकित्सा के क्षेत्र में है और आए दिन देखो बीपी बढ़ता है घटता रहता है, तो इसमें से एक कोड हमारा ये है बीपी गो, मतलब कि बीपी गो ये हमारा चिकित्सा के क्षेत्र का हो गया, गो मतलब चला जाए। अब इसमें देखते हैं हम कि बी से क्या है, तो हम बात करेंगे देखेंगे ये हमारे हैं विलियम जी कैलिन, विलियम जी कैलिन ये कहाँ के हैं, यूएसए के, अमेरिका के हैं। अब इसमें हम देखेंगे सेकंड नंबर हमारा क्या है, सर पीटर जे रेड क्लिप्स, सर पीटर जे रेड क्लिप्स, तो ये हमारा पी से हो गया यहाँ पे पीटर जे, पीटर जे रेड क्लिप्स, तो ये हमारे क्या हैं सर पीटर जे रेड क्लिप्स, इनको यूके, ये यूके के हैं, इनको दिया गया। इसके बाद थर्ड हम बात करेंगे देखेंगे कि गेग्रे एल सेमेंजा, ये गो से हमारा क्या हो गया गेग्रे, गेग्रे एल सेमेंजा, ये हमारे कहाँ के हैं यूएसए के, मतलब ये भी यूएसए के, ये यूएसए के और ये यूके के, इन तीनों डॉक्टरों को दिया गया, महान वैज्ञानिक है चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला। इस प्रकार से फ्रेंड हमने बात किया कि छह क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये हमारा भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में हमने बात किया, ये हमारे पार्ट वन फर्स्ट वीडियो में, हमारे नोबेल पुरस्कार के फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया। इसके बाद हमने साहित्य शांति के क्षेत्र में साहित्य अर्थशास्त्र चिकित्सा, इन चारों क्षेत्रों में हमने पार्ट सेकंड मतलब कि सेकंड वीडियो में हमने बात किया। थैंक यू दोस्तों। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्प्ले में हो रहे प्रदर्शित वीडियो को क्लिक करें तथा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं शेयर कीजिए।